ये देखो ये दोनों ने जगह घेर ली। अब मैं कहाँ बैठू इस वीडियो में? एसी चल, देखो टाइजो का यही है, उसको गुलू गुलू करने लगते हैं ना हम लोग, तो फिर ये बस की और दो मेरे को और मांगता है और मांगता है। बाय द वे ये वीडियो कडल्स की नहीं है। ये वीडियो है एज प्रॉमिस टाइजो की अडॉप्शन स्टोरी की। भाई कुछ लोगों को तो पूरा गलत ही लग गया था कि हम टाइजो को अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। नहीं भैया वैसा नहीं कर सकते, भला कोई अपने जान है, कशिश को कोई दे देगा? तब कोई घर के बच्चे को अडॉप्शन पे देता है क्या? कोई दे देगा क्या अपने शुरू को? बट जो पुराने लोग हैं उन्हें पता था कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आज हम बताएंगे कि टाइजो की स्टोरी, आखिर टाइजो कैसे आया हमारे लाइफ में, हमारे घर कैसे आया और क्या क्या शुरुआत हुई थी। तो मैं टाइजो किधर आऊंगी ये बताओ, तुम किस साइड आओ? उधर आ जाओ। तो मैं अपने फोन को थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे कर देती हूँ और मैं भी आती हूँ। और तुम भी सुन लो, तुम कैसे आए हो मेरे घर? हाँ टाइजो को भी नहीं पता था, तुमको भी नहीं पता ना, अब तुमको बताते हैं हम। ठीक है ठीक है टाइजो। हाँ टाइजो समझ रहा है सब। टाइजो लेकिन काफी गुड बॉय है, मैंने उसको बोला टाइजो बाबू आके यहाँ बैठ जाओ, चलो आगे आगे तो बैठ गया। कितना अच्छा बच्चा है, वीडियो बढ़िया से बनवाता है। लेकिन सिर्फ लेजी वाली। खैर हम वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे, रुको मैं भी मम्मी के पास आती हूँ, फिर हम शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है रुको। दीदी भी तो मम्मी कुछ कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। हाँ चल रहा है बस, चलो प्यार बहुत हो गया, चलो बैठे रहो। तो फिर अब हम पहले स्टोरी कहाँ से शुरू करें टाइजो की? टाइजो कहाँ पैदा हुआ तो मम्मी बताएंगे कि टाइजो कहाँ पैदा हुआ? अयोध्या में। पहली बार मम्मी ने सही बोला है कि टाइजो एक्चुअली में जो पैदा हुआ था, लाइक जिसको आप लोग कह सकते हो कि कहाँ स्पॉट से हम प्रयागराज में पैदा हुए थे, टाइजो हमारा अयोध्या में पैदा हुआ था। श्री राम, जय श्री राम मम्मी। हाँ। और ये प्रयागराज में आया, बट कैसे देखो तो सुनो, नहीं पहले तुम बात सुनो। टाइजो कह रहा मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे देखने वालों को बता दो, मैं तो श्रीघर का हूँ। तो इसका ये चलता रहेगा। तो वो टाइजो पैदा हुआ था अयोध्या में, नन्ना शिशु, और रीडर के यहाँ ही हुआ था। अभी तक हमें ये चीज नहीं पता थी एग्जैक्टली ये हुआ कहाँ था, तो फिर भाई ने पूरा डिटेल बताया कि हाँ ये किसी ब्रीडर के यहाँ हुआ था। इसके मम्मी पापा भी उसी के यहाँ थे, और तीन भाई हुए थे, तीन बच्चे हुए थे उसके। दो भाई और एक बहन। नहीं नहीं, एक भाई एक बहन और टाइजो। हाँ। जैसे कि इस घर में नहीं है कि हाँ। बड़ा भाई, उसमें भी एक बड़ा भाई था, फिर एक बड़ी बहन, उसके बाद टाइजो सबसे नन्ना शिशु था। यहाँ समय अपने मम्मी पास चिप कर रहा था, वो दोनों खेलते रहते थे। लाइक जहाँ ये पैदा हुआ था ब्रीडर के अयोध्या में, ये भी वैसा ही था। तो जब ये यहाँ आया तो वैसा ही ट्रीट करता है ये अभी भी हम लोगों को। मैं बड़ी बहन हूँ, मम्मी मम्मी है, और भाई भाई है, उससे सिर्फ ब्रो कोड चलता है इसका और कुछ नहीं। तो ब्रीडर से एक दोस्त, एक लड़का था, वो खरीदा था पहले, उसको खरीदा तो वो स्टूडेंट था, तो ले रखा कुछ दिन, 20-22 दिन करीब जो है, तो एक महीना भी नहीं रख पाया, पूरे इसके देह में कीड़े पड़ गए थे, मार जो होते हैं टिक्स एंड फ्लीज, पूरा पड़ गया था, एकदम परेशान रहता था, बंद करके चला जाता। मतलब वो लड़का स्टूडेंट था, तो वो क्या करा कि स्टूडेंट्स का यही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ डॉग ना फैमिली में अडॉप्ट करो, ऐसे अकेले लड़कों लोग के लिए तो सही नहीं है। तो लड़के ने अडॉप्ट किया, वो भी सोचो कितना क्यूट रहा होगा, इतना छोटा सा, 11 दिन का लाया था बोल रहा था, सोचो माँ का दूध नहीं पिया, इतना छोटा टाइजो गया वहाँ, वो ध्यान नहीं रखा, अब गंदा हो गया था, पूरे कीड़े वीड़े लग गए थे, लाइक लिटरली आधा बीमारी वाली स्थिति पे थी। अगर उस बंदे के पास रह जाता तो शायद ही ये बच पाता। फिर उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी उस टाइम। दोस्त गया, वो देखा, कहा कि ठीक है हम ले लेंगे इसको, हमको दे दो, उसकी स्थिति देख करके। हाँ, उसे दया आ गई टाइजो को देख के, और फिर उसने मतलब भाई के फ्रेंड ने उससे ले लिया, अयोध्या वाले लड़के से उससे ले लिया। तो फिर वो भी MBBS स्टूडेंट ही होते हैं,
तो वहाँ पे भी वो था काफी टाइम तक टाइजू, बट उनका भी वही था कि वो टाइजू की बिल्कुल केयर नहीं कर पाते थे, घर में बंद करके चला जाता, घर में बंद बेचारा दिन भर, ना नर्स इशू जो 2 महीने का भी नहीं था, नहीं था। बहुत छोटा पपी और ये हर वक्त वहीं पे रहता था, अकेले दुखी बैठा रहता हमेशा जो है। तो गया भाई एक दिन गया इसका, ये लॉकडाउन की सारी बात है 2020 में। टाइजू पैदा 10 अप्रैल को हुआ था 2020 में, और ये फुल लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बट बीइंग वो भैया बीबी से स्टूडेंट है तो उन्हें कोविड में भी जाना पड़ता था, तो वो केयर नहीं कर पाए उसकी बिल्कुल भी। तो ऐसे वो भाई की बेस्टी है, स्कूल फ्रेंड, तो वो एक दिन ऐसे लॉकडाउन का टाइम, हम सबको पता है हम सब कितना डिप्रेस जोन में चल रहे थे, भाई गया अपने बेस्टी के पास, तो मतलब हाँ लखनऊ में, तो अयोध्या से टाइजू लखनऊ आ गया, लखनऊ में फिर वहां रहा कुछ टाइम फ्लैट में भैया के पास, और भैया क्या क्या करते थे कभी कभी इसको अपने रूम से भी बाहर निकाल के सुला देते थे, इसको निकाल के बाहर कर देते, एसी में रहेगा आदत खराब हो जाएगा, बाहर करो। और ये बचपन में नन्ना शिशिक होता है ना, माँ चाहिए होती तो ये गेट पे बैठ के रोता रहता था, तो जब भाई गया गेट के, हाँ भाई गया, तो भाई ने सब देखा, उसे बहुत बुरा लग रहा था, और वो भैया बिल्कुल मतलब केयर नहीं कर पा रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे को देना है, मैं नहीं रख पा रहा किसी को बिल्कुल भी। तो फिर भाई जब गया तो भाई ने हमें ऐसे वीडियोस फोटोज भेजी कि देख कितना क्यूट डॉगी है, मैंने कहा हाँ, एंड लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, हमें कोई आइडिया नहीं था कि सेंट बर्नार्ड ब्रीड क्या होती क्या है, कितना बड़ा होता है, कि वो उसकी साइज क्या होती है, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, हम सच में बता रहे हैं। मुझे सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर पता था, रॉटवीलर पता था, जर्मन शेफर्ड जो हमने मोहल्ले में देखा है, और लैब्राडोर, ये 4-5 ब्रीड के बारे में मेरे को आइडिया था, सिट जू एक बार हम उसमें देखे थे यूट्यूब पे, बोबो और लिमो जो थे दोनों, हाँ एक और एक बहुत फेमस डॉग हाँ। सैंड बर्नार्ड ब्रीड, तो वी वर लाइक बाप रे कितने बड़े डॉग्स होते हैं। तो फिर भाई गया, भाई ने ऐसे हमें वीडियोस वगैरह देखा, और फिर भाई ने बताया घर आके कि यार उसके साथ, हम लोग को नहीं पता था कुछ, हमें तभी नहीं पता था, तो भाई ने बोला कि यार उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो अच्छे से रख भी नहीं पा रहा है, डाइट भी नहीं दे पा रहा था, सैंड बर्नार्ड ब्रीड की हैवी डाइट होती है, और वो कोई केयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 4 बार खिलाना होता है, रेड पेडिग्री गिन के सुबह देता है, भैया अगर हमें देखेंगे तो कहेंगे कितनी बिचिंग कर रही है, नहीं भैया बिचिंग नहीं कर रहे, बट इट इज व्हाट इट इज, सैंड बर्नार्ड ब्रीड की डाइट बहुत हैवी होती है, और ये बेचारा नहीं खा पा रहा था, अच्छा बच्चा है, और पता है गलती क्या है, ये लड़कों की संगति में ना शुरुआत से बिगड़ चुका है, क्योंकि जब तक थोड़ा होश आने लगा ये लड़कों के साथ ही रहता था, हम लोग साथ यहाँ आया तो मान हमका कितना कपड़ा मेरा फाड़ा होगा, उतना चलता है, हम स्टोरी में बहुत आगे चले गए, बैक रिवर्स गियर मारो। तो फिर लॉकडाउन के टाइम में भाई गया उसके पास, देखा, एंड सॉरी भैया वाज लाइक कि मेरे को उसको देना है, अब मैं नहीं रख पा रहा, और किसी को भी देना है, और भाई और हम सब हमेशा से ना डॉग लविंग है, हम सबको डॉग हमेशा से बहुत पसंद है, हम स्ट्रीट डॉग्स को भी खिलाते थे, हमारा हमेशा तो सपना था कि एक डॉग घर में रखेंगे, बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम एक सैंड बर्नार्ड रखेंगे अपने घर में, वो भी एज अ फर्स्ट डॉग। तो भाई गया, उसने सारी हमें पिक्चर्स वगैरह सेंड की, और रैंडमली हुआ, एकदम रैंडम डिसाइड हुआ कि ठीक है ऐसा करो तो मुझे ही दे दो डॉग को, क्योंकि कोविड के टाइम में वी वर रियली डिप्रेस्ड, एंड हमें चाहिए था यू नो एक डॉगी, हम सबको पता है काफी सारे डॉगोज हैं जो लॉकडाउन के टाइम में बहुत हेल्प करा इसने हमारा, हमारा पूरा ध्यान इसी पर रहता था। फिर भी बैक टू स्टोरी, बहुत आगे चले गए हम, तो भाई आ गया हमारा घर पे, और फिर पता चला कि ठीक है भैया को जिस भाई के फ्रेंड के पास था टाइजू, तो वहां पे उनके पास था कि अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेना है, वापस कर रहा हूँ, तो वहां से वो रात को लखनऊ में 12-11 बजे निकले, भैया बोला ऐसा करो तुम पहुंचा दो इलाहाबाद उसे, और ठीक है मैं रख लूंगा, लॉकडाउन था उस समय, लॉकडाउन में गाड़ी की एंट्री नहीं थी, बट बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर को अलाउड थी, तो लॉकडाउन के टाइम में टाइजू रात को 3 बजे रात में टाइजू घर पे आया, भाई ने से मुझे बताया था कि आज डॉगी आ रहा है, और ये वीडियो में बहुत क्यूट लग रहा था, जिसकी पहली वीडियो मेरे पास आई थी, तो ये मेरे को लगा कितना क्यूट है। फिर रात के 3 बजे भाई ने बोला कि आ गया बाहर, ठीक है 3 बजे लिटरली रात के बज रहे थे, मम्मी पापा आराम से सो रहे थे इसी रूम में एसी में, और मैं और भाई की तो नींद हमारी उड़ी हुई थी, बिकॉज वी वर ईगरली वेटिंग। फिर 3 बजे आया और हम इसे लेके छत पे गए, मैं ना पहले इसे देखते कहा शिट ये इतना लाइक, मुझे बोला 2 महीने का पपी है, मैं तो 2 महीने का पपी होगा, ये इतना बड़ा पपी 2 महीने का था, मैं बोला शिट ये कितना बड़ा पिल्ला है, छोटा पिल्ला नहीं है, बहुत बड़ा है।
फिर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सच बताएं, बीइंग ऑनेस्ट, पापा को डॉग्स पसंद है बट घर के बाहर, घर के अंदर नेवर एवर उन्हें बिल्कुल डॉग्स पसंद ही नहीं है। तो फिर 3 बजे हम इसे छत पे लेके गए, और ये इतना शैतान हो चुका था उस वक्त, इतना शैतान, ये छत पे जाके 3 बजे रात 2 महीने का पिल्ला भौंक रहा है और हम से चुप कर, ऐसे में नया घर देखा ना, उसको समझ नहीं है कहाँ आ गया, अचानक से यहाँ आ गया, लाइक लखनऊ से, कमरे में एसी नहीं था, वहाँ घर में कहीं एसी नहीं थी। तो फिर भाई इसको छत पे लेकर गया रात के 3 बजे, और ये शैतान इतना शैतान ही कर रहा था रात, मुझे तो इतनी डर लग गई कि इतना बड़ा तो पिल्ला है, पहली बात हम इसे संभालेंगे कैसे, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि संभालेंगे कैसे, इतना बड़ा है, और इतना शैतान था, पैंट पकड़ लेता था, हमारी लोअर पकड़ लेता था, कितने कपड़ों में छेद कर डाले, कितने जगह दांत गड़ा लिया, मेरे शरीर में सबसे ज्यादा चोट के निशान है इस लड़के के वजह से, क्योंकि मैं इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। खैर वो आगे की बात है। फिर ये 3 बजे छत पे हम लोग थे और मम्मी पापा सो रहे, कोई नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये हो रही थी कि हम पापा को बताएंगे कैसे, पापा को मनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें पता था मम्मी तो मान जाएंगी, थोड़ा बहुत होगा, माँ मान जाती है हमेशा। तो फिर सुबह हो गई, एक बार चर्चा की बहुत पहले, ये लोग हम मना के थे, मत लाना, पापा को पसंद नहीं है, पापा बहुत गुस्सा है, हाँ, पापा को पसंद नहीं, पापा बहुत गुस्सा करते हैं, पापा ड्रामेटिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा व्हेन इट कम्स टू टाइजो और डॉगो, एनी डॉगो घर के अंदर। तो 3 बज गया, तो फिर भाई ने बोला ऐसा करो तुम नीचे चले जाओ और सो जाओ, मैं ऊपर, इसकी जो जस्ट ऊपर जो भाई का रूम है उस टाइम, लेकिन वहाँ एसी नहीं थी, तो टाइजू और भाई रात भर उस कमरे में थे, भाई चुप करा रहा था कि भौके ना भौके ना भौके ना, फिर भी बीच बीच में भौंक रहा था, बट पापा ने सोचा ही नहीं कि अपने घर में भौंक रहा होगा, बाहर भौंक रहे होंगे कि बाहर डॉगीज होते हैं। उसके बाद फिर सुबह हो गई, रात को बंद बंद करके रूम, भैया सोया, पापा पूजा कर रहे थे, हम सबकी हार्ट बीट इतनी बढ़ चुकी थी कि हमें पता नहीं था पापा क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गंदा वाला गुस्सा हो जाते हैं। फिर सुबह सुबह 7 बजे भाई ने दरवाजा खोला और ये लड़का इतना शैतान हमेशा से भागते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि उसको सुसु आई हुई थी, ये पूरे घर में भाग रहा है, कहीं भी सुसु कर रहा था उस वक्त, इसको कोई क्योंकि ट्रेंड था नहीं, कहीं भी इसने सुसु कर दी, एंड वी वर लाइक शिट पापा देखे उसे पहले साफ करो साफ करो साफ करो। तो सारे पापा इनके देखे कहीं ये कहां से आ गया पापा, हाँ साथ पूजा करके पापा नीचे आए, फिर ये कहां से आ गया, तो हम कहे इसका दोस्त लॉकडाउन में दे दिया है, कहे लॉकडाउन के बाद ले जाएंगे, अभी हम देखभाल नहीं कर पा रहे, कभी इलाहाबाद आता है कभी लखनऊ, इसलिए 2-3 महीना के लिए रहेगा, तो कम से कम कुछ दिन रहे फिर देखा जाएगा जो कर। पापा को हमने ये नहीं बताया कि हाँ हमने कोई इसको, हाँ। मतलब हमने बस ये कहा कि हमें दे दिया उसने, हाँ। कि हमने कोई पैसा नहीं, बट इन दी एंड बाद में फिर पैसा लिया, पूरा पैसा लिया, उनके फ्रेंड ने भी खरीदा था, वो किसी से खरीदा था, तो कुछ टाइम बाद उनको भी वो फिर वो पैसा चाहिए था, उन्हें लगा कि यार महंगा डॉग्स एंड बर्नार्ड महंगे आते हैं, तो ही वाज लाइक यार पैसा चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट हमारी इस टाइम पे इतनी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कि हम इतना महंगा, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में ना मैं कुछ कर, मैं तो स्टूडेंट थी उस टाइम, ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा, और भाई का भी तुरंत कंप्लीट हुआ था, इंटर्नशिप उसकी शुरू भी नहीं हुई थी, तो हम दोनों में से कोई नहीं कमाता था, सिर्फ पापा ही थे जो हमारा अकेले ना सिंगल हैंडेडली सब कुछ मनी टर्म्स में हैंडल करते थे। वो टाइजो का बहुत खर्चा ना, छोटे पपीज का बहुत खर्चा होता है जो हम बचाव चाक रखे, तो वही सब पैसा तो फिर इन दी एंड मम्मी ने सारे पैसे दे दिए, और जितने का भी टाइजो था, तो मैं क्या बताऊं कितने का था, दाम नहीं बताएंगे, लेकिन अब आप लोग बट ये की ही वॉज मोर देन 30K उस टाइम पे भी, और काफी एक्सपेंसिव हमें देना पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि जरूरी था, उन भैया को चाहिए था, और जब वो दिया, मतलब जब दिया तब ये बात नहीं थी कि हाँ पैसा चाहिए या नहीं, तो चाहिए ले लो, तो था कि ठीक है रख लो, वरना हम कहाँ, मतलब इतना नहीं है कि हम ले लेते सैन बर्नार्ड, और हमें से आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। फिर जब ये आया, उस पूरे दिन बैठ के मैंने पूरी रिसर्च की कि सैन बर्नार्ड ब्रीड होती क्या है, कितने बड़े होते हैं ये, और क्या इनकी डाइट होती है, टिल देन वो चल रहा है। बाकी पापा का, भाई पापा का रिएक्शन मॉम, फिर उसके बाद भैया जब कुछ दिन तो नहीं बोले, फिर उसके बाद बोले अब इसको दे दो, हटाओ यहाँ से, हमको नहीं पसंद है, झगड़ा किए, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ घर में, चले गए घर छोड़ के चले गए, 3 महीना आए ही नहीं घर में, क्योंकि हमारा एक और घर है, पापा वहाँ रुक जाते थे, जो मतलब उनके क्लिनिक के क्लोज पड़ता है, पापा इफ यू वॉचिंग दिस आई एम सॉरी बट ये सच है, और पापा बहुत गुस्सा हो गए, मतलब
पापा को डॉग्स घर में पसंद ही नहीं, एंड यू नो बीइंग इंडियन आपको लोग कुछ ना कुछ बकते रहेंगे कि ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुत्ते घर में नहीं पालने चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता, मतलब आजकल साधु को देखो वाले को देखो सब लोग कुत्ता नहीं पालना चाहिए, डॉगी बेचारे कहाँ भेजे हम इसको। पहले पता है भगवान ने बनाया है लिटरली, हम जैसे जैसे हमें बनाया वैसे ही ने बनाया, मैं कोई अंतर नहीं मानती किसी भी जानवर में हो, है ना डाइजो। अब 3-4 महीना जिनके पापा ने घर की स्थिति इतनी खराब हो गई, मतलब हम लोग की इतनी झगड़ा, इतने घर में सब लोग समझाते, इमोशनली एक होते नहीं, बॉन्डिंग वाज रियली बैड दैट टाइम, पापा मान ही नहीं रहे थे, बट फिर पापा को लगा कि कुछ भी कर लो नथिंग्स गोना चेंज, एंड ये क्योंकि हम कह दिए साहब कैसा अब ये घर छोड़ कहीं नहीं जाएगा, अभी भी कभी कभी गुस्सा होते हैं, वो अभी भी गुस्सा होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कोई ना कोई साधु कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देता है, तो पापा हाँ। पूजा पाठ हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण के यहाँ भगवान के उनके रसोई का भोजन नहीं लेते, फलाना नहीं खाते दिखाना, तो आई वाज लाइक कुछ नहीं पापा मैं नहीं मानती, मैं हमेशा अड़ी रहती हूँ कि मैं कुछ नहीं मानती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज जस्ट लाइक अवर चाइल्ड, ये है टाइगर तो हमेशा ही रहेगा, ये अभी कहाँ जाएगा, टाइगर इज अ फैमिली मेंबर और ये तो मेरा छोटा प्यारा है सबको पता है, और ये बात करते हैं इनके पापा इसको, लेकिन फिर भी कभी कभी दिख जाता है कि गुस्सा, क्योंकि वीडियो में लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि दिख रहा है पापा ऐसे, वो सच बात है, वो अभी भी नहीं इतना दिल से इसको, मतलब कभी कभी उनके माइंड में जब लोग भर देते हैं हमारे रिश्तेदार कुछ ना कुछ भर देंगे कि टाइजो ऐसा है, इसकी वजह से रिश्तेदार नाते थे कितने लोग आना बंद कर दिए, घर में कुत्ता पालने का ड्रामा इतना होता है इंडियन फैमिली में, तो भाई प्लीज अगर आपकी जब तक मॉम डैड दोनों सपोर्ट नहीं करते ना डॉग को अडॉप्ट करने को, कभी मत करना, मम्मी जब तक फुल्ली ना माने, बहुत लोग मैंने देखा है, एक मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक लोगों ने वीडियो भेजी थी अपने डॉग की कि मेरी माँ नहीं मान रही वो सैंड बर्नार्ड को, भाई इतनी गंदी गर्मी में प्रयागराज के 45 डिग्री में बाहर बांध के रखा था, बिकॉज उसकी जो माँ है वो एसी में अलाउड नहीं करी, भाई मत पालो यार सैंड बर्नार्ड, मजाक नहीं है, उनको एसी चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो मत पालो, तो इंडियन यही कहता है तुम रख लो, हाँ तुमको अगर लाना तो उसकी पूरी व्यवस्था करो, नहीं रखना है तो मत रखो, तो बस यही है कि यार जो भी है हम कहीं और चले गए, बट स्टोरी में यही था कि बहुत मुश्किलें हुई, बट धीरे धीरे भाई जैसे जब ये आया ही वॉज रियली लकी फॉर अस, और भाई की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, एंड धीरे धीरे भाई सारा खर्चा टाइजो का संभालता था, मैंने इंस्टाग्राम चैनल टाइजो का सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मेरी बचपन से एक दिली तमन्ना थी कि मुझे एक अपना एक डॉगी रखना है जहाँ जिसकी स्टोरी मैं पूरी दुनिया को शेयर करूँ, कभी ये नहीं सोचा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ हो सकता है, तो चैनल बना जब पहले 100 फॉलोवर हुए आई वाज रियली हैप्पी कि देखा देखा मेरे डॉगी के इतने फॉलोवर्स हैं, तो फिर वही हुआ टाइजो की स्टोरी, टाइजो की इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोवर्स हुए जो फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, फिर धीरे धीरे मैं वीडियोस और पोस्ट ही शेयर करती थी, फिर जब रील्स का ट्रेंड आया अचानक से तब जाके टाइजो का चैनल ऐसे बूस्टअप हो गया, मैं डेली वीडियोस टाइजो की पोस्ट करती थी और फिर बूस्टअप हुआ जब एक दो पहला कोलैबोरेशन हुआ हमारा, जिस बेस के लिए फ्री प्रोडक्ट्स आते थे, फ्री बिस्किट्स एंड ऑल, मैं इतनी खुश हो गई कहीं से थोड़े खर्चे हमारे निकल रहे हैं, तो वेल खाने को मिल रहा है, वेल एंड गुड, बट हमने कभी इसके खाने पे कोई कंजूसी नहीं की, भाई भी कमाता, भाई की भी स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग, तो हो गई थी क्लिनिक ओपन कर लिया था, सारा खर्चा भाई उठाता था, अभी भी होता है, अभी भी भाई उठाता है, और पापा राइस पापा ही ले आते हैं, चाहे जो भी, पापा को भी शॉपिंग बहुत पसंद है, तो बल्क में राइस हमेशा पापा लेकर आते हैं, और बाकी इधर उधर का खर्चा भाई करता है, बाकी शैम्पू और देखो ना डेली नीड्स वाले खर्चे वो मैं टाइजो पे करती हूँ, बाकी मोस्ट ऑफ द खर्चा भाई संभालता है अभी भी, तो ऐसा नहीं सेवा हम करते हैं, देखो झूठ मुंह पे झूठ, टाइजो देख मम्मी मुंह पे झूठ बोल रही है, हाँ सारा सेवा मैं करती हूँ, खिलाना पिलाना लहनाना धुलाना, पैर की वजह से चल नहीं पाते थोड़ा परेशान हो गए, सिर्फ जब मैं घर पे ना रहा हूँ तब मम्मी करती है, तो कैसे सूंघ रहा है कुछ महंग आ गई इसको, भैया उठाया भाई उठाया तो महंग आ गई, अब जब वहाँ उठा यहाँ जागी, बट इन शॉर्ट बहुत मुश्किलें आई, ये जब छोटा पपी था 2 महीने से लेके 4-5 महीने तक इतना शैतान था, इतना शैतान, बहुत शैतानी करता था, पापा अलग हमसे गुस्सा रहते थे, टाइजू बहुत शैतानी करता था, बट इन द एंड एवरीथिंग वेंट वेल, हमारे घर एक ही एसी थी यही वाली, हम सब यहीं पे रहते थे, और फिर धीरे धीरे चीजें अच्छी हो गई,
एंड टाइजो इतना बड़ा हो गया, इतना फेमस हो गया, मुझे नहीं पता था मैंने फेमस होने के लिए चैनल 100K पे वेरीफाइड होता है, तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। फिर अभी मैंने ध्यान दिया आज की शिट चैनल को वेरीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो 699 बाय हो रहा है, तो यहाँ तो फ्री में होता है, इंस्टाग्राम पे तो अलग ही सीन चल रहा है। तो फाइनली वी आर वेरीफाइड टुडे एंड ताइजु की यही कहानी थी कि इसके पहले इसको मांगा प्यार नहीं मिला। लोगों को समझ में आ रहा है कि हम किसी को दे रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे कितना हां मैं दे भी नहीं रही हूं किसी को, ताइजु हमारा बच्चा है, हमारा लल्ला है, हम जहां जाए ताइजु रहेगा, हम लोग के साथ रहेगा, कहां जाएगा। हां बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी पैसे के लिए करा हमने, नहीं घर वाले ना माने, प्लीज 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 कोई डॉगो घर लेकर मत आना आपने, जब तक मॉम डैड दोनों ना माने। अभी भी पापा कभी कभी कन्विंस नहीं होते हमारे, अभी भी 3 साल हो चुके हैं टाइजू को, और पापा अभी भी कभी कभी नाराज हो जाते कि ये यहाँ क्यों है, वो वहाँ क्यों है, टाइज इतना ड्रूल क्यों कर रहा है। तो हम लोग ऐसे मुंह के नीचे कपड़ा लेके भागते हैं कि मुंह पोछो बाहर भी रहते कहीं कहीं जगह जगह कपड़े में, हर जगह है जो पापा को नहीं पसंद, बट खाना भी पानी में हर जगह मिल जाता है, बट टाइज इज टाइज हमारा प्यार है, हम सब उसको दिल से प्यार करते हैं अपने नन्हे शिशु की तरह। ताइजू की यही कहानी है। हम उसके थर्ड ओनर थे, हमने कभी ये सोच के लिया ही नहीं कि हमें इसका चैनल बनाना है या कुछ भी, ये बस आ गया हमारे पास और धीरे धीरे चीजें मैनेज होती चली गई शुरू के लिए। बट ये कि बचपन से मेरा ड्रीम था डॉग रखने का, बचपन से दिली तमन्ना थी, मुझे डॉग हमेशा से बहुत पसंद है, और मुझे ये नहीं पता था कि एक सैंड बर्नार्ड डॉग हमारे घर आने वाला है इतना बड़ा। तो आई गॉट अ बेस्ट फ्रेंड जो कि इतना बड़ा है, एंड लिटरली ही इज ओनली माय बेस्ट फ्रेंड। आप लोगों सबको पसंद है, हाँ, एंड एवरीबॉडी लव्स हिम। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई इतना प्यार करेगा टाइजो का, मुझे बस था कि एक लाइफ लॉन्ग स्टोरी डालनी है टाइजो की, एंड चल रही है वो लाइफ लॉन्ग स्टोरी, आप सब भी सब चीजों का पार्ट है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। प्लीज जुड़े रहना और वीडियोस में ट्राई करूंगी कि बनाती रहो, अभी सीधा हो गया एक्चुअली, हाँ पहले बहुत सीधा था, पहले बहुत बदमाश, और मैं अभी थोड़ा मतलब स्टडी का प्रेशर की वजह से उतनी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ जितनी हम पहले बनाते थे, बट आई एम हैप्पी। और हमें बहुत सारे निगेटिव और हेट कमेंट भी मिलते हैं कि आपने सैन बर्नार्ड क्यों लिया, आपको नॉलेज नहीं थी। भाई हमें नॉलेज सच में नहीं थी, लिटरली हमें सैन बर्नार्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उस समय लिए लेकिन क्या जानते कि सब इतना चाहिए था बन जाएंगे। हाँ हमने सिर्फ इसकी इसको इसके ऊपर दया आ गई क्योंकि तो क्यूट वीडियोस भी थी, भाई लोग इसको लड़के लड़के होते हैं बलून से डरा रहे थे और एकदम डर के घुस के कोने में बैठा है, बोलते क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे प्यारे बच्चे के साथ, तो हमें इस पे दया जिस से डरता है उसी से लोग डराते थे, हाँ वो लोग इतने शैतान थे। तो इन द एंड हमें टाइजो की जरूरत थी, टाइजो को हमारी जरूरत थी, इसको हमने लिखा था, अब हमारी फैमिली कंप्लीट है। वरना टू बी ऑनेस्ट हमने सोचा था कि कभी इन फ्यूचर हम डॉग रखेंगे तो ही विल बी अ गोल्डन रिट्रीवर, मे बी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाकी हम हमारे घर पहले भी नन्नू नाम का एक डॉग था जो स्ट्रीट डॉग था, अब तो मेरा पुराना लैपटॉप खराब हो गया वरना उसकी वीडियो हम डालते, वो स्ट्रीट डॉग हमारे साथ, हम उधर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहलाते थे यहाँ बंद करके कि ना हो गर्मी में, गर्मी लग रही होगी तुमको, अभी भी स्ट्रीट डॉग्स हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं, सब आके बैठ जाएंगे, हाँ वो आके बैठ चुके होंगे रात के डिनर के लिए, दिन में नहीं आते वो क्योंकि बहुत धूप रहती है। तो आई लव डॉग्स रिगार्डलेस ऑफ द ब्रीड, कोई भी ब्रीड हो मुझे पसंद है, मैं प्यार करती हूँ। और टाइजू, टाइजू सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दीदी कहीं जाएगी तो टाइजू क्या होगा, दीदी ले जाएगी टाइजू को, चलो बाय। तो टाइजू की यही कहानी थी, उस टाइम तो सिचुएशन टाइजो को किसी को नहीं दे रहे हो, हमारे घर का लल्ला है वो अपने बच्चों को देता है क्या, मम्मी मुझे किसी को दे देगी नहीं, तो ही इज लाइक अवर लिटिल किड्डू, हम इसे किसी को नहीं दे सकते। टाइजो सब उठे तो बाय, सब्सक्राइब, टाइजो भी किसी और के साथ नहीं रह सकता, बाय, सब्सक्राइब, ये देखो कडल लवर अपना, सब्सक्राइब बुब्बा कितना क्यूट लग रहा है।